एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एसेट के रचयिता ने बच्चों में सीखने की अलग अलग रफ्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइंड स्पार्क का आविष्कार किया है। ये एक चतुर कंप्यूटर सिस्टम है जो हाल की समस्या और पहले सुलझाई हुई समस्या पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया के ऊपर आधारित पेचीदा अनुकूल तर्क का उपयोग करती है। ये साधन तद अनुसार तय करता है कि कौन सी उच्चतर कक्षा की समस्या अथवा निम्नतर कक्षा की समस्या का निवारण किया जाए। इस पद्धति के उपयोग से सातवीं कक्षा के विद्यार्थी को तीसरी कक्षा के निचले स्तर तक लाया जाता है, उनकी गलत धारणाओं को सुधारात्मक सुझाव दिया जाता है और फिर सातवीं कक्षा के स्तर पर वापस लाया जाता है। माइंड स्पार्क विषय की गहराई तक जाकर समझने की क्षमता का विकास करता है। इसमें सवाल कुशल विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। माइंड स्पार्क के सवाल गणित की समस्याओं को असल जिंदगी में ढालकर तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से सिद्धांत की समझ और उसका अमल करने की विद्यार्थी की क्षमता को जांचते हैं। ये सिस्टम विद्यार्थी को उसकी क्षमता और कमजोरी के बारे में बताकर विस्तृत जानकारी देकर उनको बेहतर बनाती है। एक आम वर्ग में जहां विद्यार्थी 800 से 1000 सवाल कर सकते हैं, वहां माइंड स्पार्क के विद्यार्थी 3000 से भी ज्यादा सवाल कर सकते हैं। माइंड स्पार्क अध्यापक के प्रयत्नों में गति लाता है। वो हर विद्यार्थी ट्रैकिंग रिपोर्ट द्वारा हर विद्यार्थी की प्रगति पर ध्यान रखता है। ये अध्यापक रिपोर्ट अध्यापक को वर्ग की सामान्य गलतियां और व्यक्तिगत समस्या बताता है। माइंड स्पार्क निर्णयात्मक मूल्यांकन के लिए आदर्श साधन है। हाल ही में स्कूल्स के साथ की गई मुलाकात में स्कूल वालों ने जगह और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम माइंड स्पार्क को टैबलेट पर लेकर आए हैं ताकि स्कूल अपनी जगह और सुविधाओं की समस्या का समाधान पा सके। अब कंप्यूटर लैब तक जाकर लाइन लगाकर समय और विद्यार्थियों का ध्यान बर्बाद करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद चलकर क्लासरूम तक आ गया है। माइंड स्पार्क टेक्नोलॉजी आधारित अभ्यास का साधन है जिसमें सवाल पूछकर उसका विश्लेषण करके निवारण करने की क्षमता है। माइंड स्पार्क गणित को सिखाने और सीखने को एक मनोरंजक अनुभव बनाता है। Math seems like fun again. In my free time now, I love to do Mindspark. I love to do maths. Freedom!